गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपके सामने बीएससी पार्ट वन का ये एक्सरसाइज 1.4 है जिसका क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 आपके सामने मैं लेकर आया हूं और मैं इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आज आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज़ चैनल को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाया जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पर सोल्यूशन आप देखिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा है साइन थीटा प्लस आई फाई लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है, इक्वल टू यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। इसको चाहे तो ब्रेकर तोड़ ही देता हूँ। यहाँ पर कॉस थीटा लिखा है, कॉस एक्स लिखा है और प्लस आई रो साइन एक्स लिखा, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर काम करते क्या करते हैं कि इसको ब्रेक जो है इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस आई फाई प्लस यहाँ पर क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन आई फाई हो जाएगा कि नहीं, इक्वल टू रो कॉस एक्स प्लस आई रो साइन एक्स, जैसे लिखा वही लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, साइन थीटा और यहाँ पर देखिए लिख क्या लिख सकते हो, कॉस हाइपरबोलिक फाई आपका हो जाएगा, क्योंकि जब कॉस में आई हटता है तो हाइपरबोलिक बन जाएगा, लेकिन अगर साइन से आई हटाएंगे तो आई आगे लगाना पड़ेगा तब जाकर हाइपरबोलिक बनेगा। जैसे ये इस तरह देखिए साइन अब ये हाइपरबोलिक फाई हो गया, क्योंकि जब इस आई को हटाया यहाँ पर आयोटा इसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई आगे चला गया, ठीक है, आयोटा कहाँ चला गया, आगे, तब जाकर हाइपरबोलिक बनाइए और ये आपका इस तरह है ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, देखिए कंपेयर करने पर क्या आता है, कंपेयरिंग, ठीक है। तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर, रियल रियल नंबर के साथ इक्वल होगा, तो लिख देता हूँ साइन थीटा और कॉस हाइपरबोलिक फाई, ये इक्वल टू किसके हो गया, रो कॉस एक्स के इक्वल हो गया, वन नंबर बना लिए इसको। सेकेंड आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि आई इसमें लगा हुआ है, तो कॉस थीटा और यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, इसके किसके, रो साइन थीटा के इक्वल हो गया, साइन एक्स के इक्वल हुआ, ये टू नंबर हुआ। आप देखिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेता हूँ, तो स्क्वायरिंग आए वन एंड टू, उसके बाद क्या कर लिया, एंड ऐड और ऐड कर लिया, ठीक। तो जब ऐड करेंगे तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो गया कॉस हाइपरबोलिक, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर फाई, ठीक, प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ आएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, इसका स्क्वायर आ जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा माने रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर एक बात, यहाँ पर देखिए क्या होगा, मैंने क्या किया भाई, देखिए मैं देख रहा हूँ कि जब रो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और इसकी वैल्यू वन होती है तो कुल मिला के ये वैल्यू रो आ गया। तो एक काम करते हैं, चलिए दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी टू कर दिया, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, तो यहाँ सब में टू टू आपका लग गया। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है इसको देखिए, पहले इससे फ़ायदा ये हो रहा है हमारा कि मैं इसको कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बना सकता हूँ, कैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका फॉर्मूला देखो होता नहीं है, देखिए कॉस टू एक्स बराबर होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है, एक्स होता है, एक्स में है ना, क्योंकि तो इसको जब इधर लाओगी तो क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ जाएगा, जब इसको इधर लाया तो इसको उधर ले जाना पड़ेगा, वन माइनस कॉस टू एक्स हो गया, नहीं हो गया। इसी तरह एक फॉर्मूला ये भी होता है कि कॉस टू एक्स इक्वल टू होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो वन को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो कहीं देखिए, अगर यहाँ पर देखिए इसकी जगह पे मैं चाहूँ तो इसको रख दूँ ना, इस तरीके इसको रख दूँ और इसकी जगह पे देखिए यही चीज़ आ रहा है ना, केवल यहाँ पर यह थीटा है तो यहाँ एक्स है, अगर आप थीटा चाहो तो थीटा बना लो, उसमें क्या दिक्कत है भाई, थीटा बना लीजिए, देखिए ये थीटा मैंने बना दिया कि नहीं, कोई दिक्कत तो हो नहीं रहा होगा कि हो रहा है बताइए, बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी जो वैल्यू है टू साइन स्क्वायर थीटा की, इसकी वैल्यू क्या लिखा है यहाँ पर, वन माइनस कॉस टू थीटा लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए क्या है, इसकी जगह पर हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, वन प्लस कॉस टू थीटा, क्योंकि ये लिखा है ना इसकी वैल्यू, ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये देखो हमने निकाला है यहाँ पर और बाकी यहाँ पर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक फाई तो है ही है यहाँ पर, ठीक। तो अब एक काम करते हैं, चलो इसको तोड़ते हैं, देखते हैं तोड़ने के बाद में यहाँ पर आता क्या है,
ठीक है। तो जब इसको ब्रेक किया तो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया इसका। देखिए सबसे बड़ी बात एक चीज़ है कि आपके माइंड में हर चीज़ एक्यूरेट आना चाहिए। भाई इसका मल्टीप्लाई जब वन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर और इधर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हो गया कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और माइनस कॉस टू थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई हो गया कि नहीं। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस, जब इसमें करेंगे तो वन में करेंगे तो हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, और जब इसमें करेंगे टू कॉस टू थीटा में तो प्लस क्या हो जाएगा, कॉस टू थीटा, और ये हो जाएगा साइन इस ये हाइपरबोलिक स्क्वायर ये फाई हो गया इक्वल टू टू पी स्क्वायर, स्क्वायर में है ना ये कि नहीं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देख रहा हूँ मैं, क्या देख रहा हूँ कि ये देखिए ये दोनों, ये किसकी फार्मूला है बताइए, ये साइन टू थीटा का फार्मूला है, ये कास हाइपरबोलिक, देखिए ये किसका फार्मूला है, इसको देखिए दोनों को, दोनों का अगर देखते हैं यहाँ से तो कोई फार्मूला बन रहा है, कैसा फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला आपका है साइन हाइपरबोलिक टू थीटा का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ओ सॉरी कास, ये है कास हाइपरबोलिक टू थीटा का, तो यहाँ पर थीटा की जगह फाई है तो फाई का फार्मूला हो गया कि नहीं ये दोनों। और यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, कास इन दोनों में, इसमें और इसमें कास टू थीटा फार्मूला मिल रहा है, वो कॉमन मिल रहा है, तो जब इनमें दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच गया, कास हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, यही तो बना इक्वल टू टू पी स्क्वायर है, टू पी नहीं है ये, टू रो स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया, अब यहाँ पर देखिए इसकी तो वैल्यू वन होती है कि नहीं, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, कास हाइपरबोलिक टू फाई और माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू टू पी स्क्वायर कि नहीं, तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, ये टू इसकी तरफ आ जाएगा तो वन अपॉन टू, या हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक टू फाई और माइनस कॉस टू थीटा, समझ में आ गया नहीं आ गया, तो आपका एक प्रूफ हो गया। सेकेंड नंबर में क्या करेंगे, सेकेंड के लिए कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा काम, बस केवल एक काम करते हैं भाई, हमको सेकेंड में क्या लाना है, टेन एक्स लाना है, तो सीधा सीधा देखिए टेन का भाई एक्स आएगा, बताओ जब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाले सेकेंड वाले फर्स्ट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किस, बताओ किससे कर देंगे, सेकंड से, कि तभी तो हमको मिलेगा भाई, देखिए ये देखिए साइन है, साइन क्या लाना मुझे, देखो जरा टेन एक्स इक्वल टू ये, अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुझे कॉट लाना है, इसका मतलब है कॉट, तो इसका मतलब सेकंड को फर्स्ट से, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड में फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, ठीक फर्स्ट लिया, तो चलिए सेकंड पहले लिखता हूँ, यहाँ पर सेकंड क्या लिखा है, कॉस थीटा और इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई लिखा है इक्वल टू रो, और यहाँ पर साइन एक्स लिखा है कि नहीं लिखा है, और यहाँ पर ऊपर क्या है, इससे डिवाइड कर दे रहा हूँ, माने टू को वन से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका है साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई और यहाँ पर क्या है रो कॉस एक्स, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कॉस बटे साइन आपका हो गया कॉट थीटा, और ये देखिए साइन बटे कॉस आपका हो गया टेन हाइपरबोलिक फाई, ठीक, इधर देखिए रो से रो कट गया और साइन बटे कास आपका हो गया टेन एक्स, तो ये भी आपको प्रूव करना था, तो देखिए आपके दोनों चीज़ प्रूव हो गए अच्छे से, ठीक। अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं, ताकि हम इसी तरीके से बार बार वीडियो बनाते रहें, उसके लिंक आप तक पहुँचाते रहें, थैंक यू।